हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप ज़रूर बताना, और गर्मी कैसी है वो भी बताना। अभी चिपचिप वाली गर्मी है, ना बारिश हो रही है और उमस बहुत ज़्यादा हो गई है। ऊपर छत पे थोड़ी हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था। ये क्लिप शाम के 6:30-7 बजे की है। मैंने चाय बनाई, थोड़ी थोड़ी बच्चों ने ली थी टोस्ट के साथ, मन था। वैसे बच्चे नहीं ले रहे हैं, नींबू पानी ग्लूकोन डी वगैरह दे देती हूँ इनको। बाजार जाना था और यहाँ पे मैंने रस्सी मंगाई थी, वो मैं कूदने में लग रही थी। ये बोल रहे चल रख दे, बचपना बचपना छोड़ दे, अब उम्र हो गई है, ये सब सोवा नहीं देता। मैंने बोला नहीं, मैंने ये अपने लिए मंगाई है और मुझे ये कूदनी है, मुझे वजन कम करना है। यहाँ पे थे, रील्स वगैरह बना रहे थे, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं, मम्मी वगैरह का फ़ोन आ गया, फिर छोड़ दिया। ये बाज़ार चले गए, इनको पैसे वगैरह दिए बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि पता है मंगलवार को सब्ज़ी वगैरह लानी होती है। तो इस वजह से छत पे बैठ के बस कूलर की हवा थोड़ा सही लगता है, नहीं तो ऐसे लगता है कहाँ पर आ गए, क्या करें, मतलब इतनी ज़्यादा होती है। और ये ज़मीन पे तो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते। बच्चों की देख रहे हो शक्लें कैसी हो गई गर्मी की वजह से। और अब मेन चीज़ स्कूल खुलने वाले, काफ़ी दूर स्कूल है, कैसे करूँगी, पर हो जाएगा। सब कहते कैसे करते सब हो जाता है। ये सब्जी लेने चले गए, तब तक मैंने खाने की तैयारी कर ली। मैंने रात को इतनी गर्मी में झटपट खाना बनाया, थोड़ी जवा बनाए। आपके कमेंट आया था कि हमारे यहाँ प्रीति जवा कहते, तो हमारे यहाँ भी जवा कहते। थोड़े मैंने पीले चावल बनाए थे, ये दोपहरी में चावल बनाए थे, सोयाबीन आलू वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह काफ़ी अच्छे लगे थे। घी डाल के मैंने जवा को थोड़ी देर फ्राई किया, ब्राउन हो गए, फिर मैंने इसको दूध में डाल दिया, चीनी डाल के। और अभी वीडियो एडिट कर रही, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, पर फिर वैसे ही हो जाता है। मैंने जवे बनाए, चीनी डाला, 1 किलो दूध में मैंने जवे बनाए थे, चीनी इलायची डाल के बनाया। और सबसे पहले आपको पता ही भोग में गया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस किस को पसंद है। मुझे मेन चीज़ बताऊँ, नमकीन वाला ज़्यादा पसंद है, मीठे इतने पसंद नहीं है, तब भी बना ही लिए। मैंने बोला कभी कभार तो मीठा होना ही चाहिए, खट्टा मीठा वो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। जवे बन के रेडी हो गए हैं, आप भी आ जाइए। अभी ये गर्म है, ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं, गर्म बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठंडे फ्रीज में रखे ऐसे लगता है मलाई खा रहे हैं, ये ऐसे बोलते हैं। सब्जी लेके आए, केले की सब्जी मुझे ज़्यादा वैसी लगी कि जल्दी से बन जाएगी, टाइम भी नहीं लगे, इनको छीला। और केले की सब्जी किसे पसंद है, केले के चिप्स किसे पसंद है मुझे बताना, मैंने आपके साथ केले के चिप्स भी शेयर किए थे। फ़िलहाल तो मुझे केले की सब्जी बहुत जल्दी लग रही थी, बहुत ईजी तरीके से इसको बनाना होता है और बहुत जल्दी बन जाती है। रोटियाँ सेक ली थी, सलाद बना ली थी और हमने छत पे ही खाई थी। और सब्जी वगैरह रखी है, वो मेरे दिन के काम भी आ जाएगी, दिन में बनाने की झंझट नहीं रहती। एक टाइम ही मैं बनाती हूँ सब्जी, आप लोगों को बताऊँ, और मेरी हो जाती है। चावल रखे थे और ये सब्जी हो गई, और इस थैले में सब्जियाँ रखी थी। सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, मतलब सब कुछ इतना महंगा हो गया, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। करेले वगैरह लेके, इस बार सोच रही हूँ मैं भरमा करेले बनाऊँ, लहसुन ख़त्म हो गया था, लहसुन लेके, और पता है अदरक नहीं लेके आए। अदरक के बिना मुझे तो चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो सारे काम मैंने ये वीडियो 7:30-7:30 या 6 ऐसे ही लगभग स्टार्ट किया था रात से ही। लहसुन को, प्याज को मैंने मिक्सी में नहीं पीसा, इसमें कूटने वाली में करा, तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें प्याज और लहसुन को भूंजा नहीं, डायरेक्ट इसी में ही मैंने सारे मसाले डाल लिए थे। टमाटर नहीं डालूँगी, टमाटर से फिर खट्टे हो जाते, अमचूर डालूँगी, हींग और जीरे का तड़का दिया। और मेन चीज़ क्या है, टमाटर डाल दो फिर हर चीज़ में टमाटर अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए तेल बहुत गर्म हो गया, फिर मैंने कैमरा हटाया, फिर दोबारा लगाया, बहुत चीज़ें देखनी होती है। हम लोगों के ज़्यादातर मोबाइल तो इसी से ही ख़राब हो जाते हैं, पर मैं बहुत सेफ्टी रखती हूँ, तब भी ट्राईपॉड से तो पट पट गिरता ही रहता है। देखिए मसाला कितना सुंदर लग रहा है, इससे ना रोटी पर रख के खा लो वो भी टेस्टी लगता है। पर फिलहाल इस पर बनाते हैं, केले डाल दिए, ढक देंगे, पानी के बिना बनाना है। इसको कहीं भी ले जाओ, किसी के साथ भी खाओ, ये चीज़ें ऐसी है ना ख़राब नहीं होती, आने जाने में पूड़ी के साथ, पराठों के साथ, टिफ़िन विफिन में बहुत अच्छी लगती है। सब्जी बनी, तब तक मैंने बर्तन वगैरह धो लिए और गर्मी की वजह से नींबू पानी बनाया, सबको दिया। पेप्सी वाले, वो क्या कहते हैं, आइसक्रीम वाले आ गए थे, फिर हमने आइसक्रीम खाई, नींबू पानी पिया, तब जाके हमें अच्छा लग रहा था, नहीं तो इतनी गर्मी लग रही थी क्या बताऊँ। नींबू पानी सबने गिलास भर भर के पिया, बर्फ़ डाल के, ऐसे लग रहा था पेट में इतनी ठंडक लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। ये मैंने सुबह को थोड़ा सा ग्रिल वगैरह साफ़ की थी, धूल धूल हो गई थी, जीव अटक जाती है,
तो सारा मैंने इसको साफ़ किया, ऊपर जीना वगैरह को, ये तो मतलब रोज़ तो नहीं बोलूँगी मैं, 4 दिन में 5 दिन में कर देती हूँ। जीना भी रोज़ नहीं करती क्योंकि लेट नहीं आते, साफ़ रहते हैं आप देख सकते हैं। और मैंने चीज़ क्या है, खड़े जीने हैं तो गिरे ना, अब तो नहीं, पहले मकान में आए आए थे तो ना हम धाड़ पार गिरते थे, अभी तो आदत हो गई है। पर नहाते नहीं गीले हो जाते हैं, और गीले से आप सीढ़ियों पे 100% गिरोगे। ये कपड़े मतलब मैंने वो किया था ना तब निकले थे, तो मैंने इनको रख रखा है, काम आ जाते हैं, सूती कपड़े चाहिए रहते, इसलिए देखिए धूल कितनी सारी धूल थी ना कपड़े से साफ़ हो गई। मैंने जो जीने की थी वो भी साफ़ कर दी, ये वाली इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी धूल वगैरह बहुत सारी हो गई थी। मैंने सारे इसको किया और छत पे झाड़ू लगाया, पानी डाल के इसको साफ़ कर दिया। और मेरा नीचे तो मैं सारा साफ़ करके ही आती, ये साफ़ कर लेती उसके बाद में ही बाकी का साफ़ करती हूँ। ये साफ़ हो गया तो सब जो सब साफ़ हो गया, बच्चों को नहलाया धुलाया, बाल कंघी की, दिया बाती की, उसके बाद मैं खुद नहाने चली गई थी। फिर देखते क्या बनाते क्या नहीं, वैसे रात का खाना भी बहुत सारा रखा है, और नाश्ते में देखो क्या बनाए अभी कोई डिसाइड नहीं है। ये वाला सूट पहन लिया है, पानी पानी हो गया पूरे घर में। मैंने ना सनस्क्रीन मंगाई है दूसरी, दिखाती हूँ। नहा लो, जितनी देर नहाते रहोगे उतनी देर सही है। रात को उतने मच्छर लगे तो ओडोमॉस मच्छरदानी सब फेल थे। शीशा साफ किया है और पूजा पाठ की है, सुबह का टाइम है, ये गिर ना जाए। आधी इसमें दिख रही है, आधी इसमें हमार मुंह भी नहीं पूछा है, कपड़े धोने वो शाम को देखते हो ऐसे फोन गिरता है। ट्राइपॉड तो ना बेकार ही हो गए हैं। वंशु कह रही थी मम्मी चाय और पराठे बना दो, मतलब नमक के पराठे चाय से अच्छे लगते हो ना, किस किस को अच्छे लगते हो मुझे बताना। गुदी तो कितनी काली पड़ गई है गर्मी की वजह से, मैं कुछ नहीं लगा पाती, मेरा सारा ऐसे ही रखा रह जाता है। मेरी ऑयली स्किन है तो ये कब के लाए हुए रखे हैं, नहीं लगा पाती हूँ, मुझे नहीं ऐसा। मैं सोचती हूँ भगवान ने जैसी हमें शक्ल दी है ना वैसी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो मैं नहीं कर पाती, मैं अपने कामों में घर के कामों में अलग रहती हूँ, तो जैसा दिया है वैसे ही रहेंगे। हाँ केयर करने से फ़र्क तो पड़ता है, पर ठीक है। और मैंने लोवर ही पहना है, मुझे पता है बहुत से लोग ये कहते हैं पहनने का तरीका नहीं है, कैसे अजीब गरीब पहनते, मुझे पर मुझे लोवर में ही अच्छा लगता है। ये लगा लो मुँह पे थोड़ी सी, बाबू को भी दे दो। चलो ये रस्सी मंगाई थी कूदने के लिए, पर थोड़ी सी कूदी, दोबारा कूदी नहीं हूँ। मैंने 50-100 कूदी, 100 मैं भी कूद सकती हूँ। हाँ घर दिखाऊँ, एकदम साफ सुथरा पानी की बोतल ली, क्योंकि ज़्यादा पानी था तो मैंने इसमें कर लिया, उसमें कर लिया, मच्छी जैसी महक आ रही है। महक क्या, पीछे वाला प्लॉट है उसमें सभी लोग कचरा फेंकते हैं, हम तो गाड़ी आती है उसमें डालते हैं, पर जो लोग हैं वो डालते हैं, उनसे कहो सुनो तो वही वाली बात है, झगड़ा सिंदूर के बिना, तो उससे गंदा अंदा सब डाल देते हैं। और सूट काट लिया वंशु, मैंने बाबू सूट काटा है वो दियो। और कल कमेंट आया था पूजा करते टाइम तो शांत रहा करो, तो जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों उस घर में शांत नहीं रह सकते, कभी लड़ते हैं कभी झगड़ते हैं, बोलना पड़ जाता है। देखे और दिखाऊं, मैं काट लिया है उसका गला बना रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ गला बनाते हुए, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि जब सिलाई मशीन लेके बैठती तब तक ये आ जाते, चलो तो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सूट का गला काट रही हूँ, सूट का गला डिजाइन मतलब कुछ नहीं, बस यू शेप में काट रही हूँ। देखिए कल कमेंट आए थे प्रीति सूट की कटिंग करो तो मुझे वीडियो बनाना, तो वो तो हो गया था, शॉर्ट में शेयर कर लूँगी। ये मेरा रह गया था बस, अब काट के रख लिया, अब सिलना बाकी, थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी,
कुछ कमेंट आए थे। देखिए कुछ चीज़ें शर्म आने की कोई चीज़ नहीं है। कुछ बोलते हैं कि हमें वीडियो नहीं बनाने देते, ये इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आते हैं, तो देखिए कुछ चीज़ें मर्यादाओं में रह के करी जाए ना तो कोई शर्म नहीं है, अपनी मर्यादाओं में रह के करिए। और फिर मेन चीज़ अगर आपके फैमिली वाले आप मान जाते तो बनाइए, नहीं मानते तो देखिए ज़ोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। पर मैं देखिए मैं अपनी मर्यादाओं में रह के जितना मुझे इजाज़त है जितना वो है उतना मैं कर लेती हूँ। मर्यादाओं में रह के कोई चीज़ करी जाए कोई बुराई नहीं, आजकल सब करते हैं और आजकल ये आम बात है। आजकल एक के से कमाई से घर नहीं चलता, मियाँ बीवी दोनों कुछ ना कुछ करें तो चलता है। मैं देखिए कुछ नहीं तो अपना खर्चा निकाल लो, इससे बड़ी कुछ नहीं होता है। अपना खर्चा निकाल लो, पति के आगे बार बार पति को बेचारे को परेशान ना करो, देना 10 रुपये हाथ बार बार ना फैलाने पड़े, तो इतना तो अपना कर ही लो जो कुछ कर पाओ। घर बैठे से कुछ नहीं होता, 10 दिमाग में टेंशन घूमती हैं। कुछ करोगे तो खुद को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और माइंड भी अच्छा रहेगा। ये मैं आपको सूट दिखा रही हूँ, अच्छा सूट ब्लैक वाला था, मैंने सलवार का सूट बनाया और सूट का सलवार बनाई क्योंकि मैं खुद काली हूँ और सूट भी काला ले लिया, इसलिए मुझे ये सब मुझे थोड़ा सा चेंज, पर कुछ का भी बना लो लगता है। यहाँ सोना और वंशु मेरे लिए कुछ बना रही, कुछ क्या चाय बनाएंगे, मुझे काम वाम करके ना सर दर्द हो रहा था, मैंने बोला एक कप मेरे लिए चाय बना दो। मैंने सारे हमारे ठाकुर जी के कपड़े धोए, मैंने बहुत सारे कपड़े धो कर लिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस वाली क्लिप में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर हो सका उनका ड्रॉर शेयर करूंगी। टाइम नहीं मिलता, नहीं मुझे लगता ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ, बच्चे स्कूल चल जाएंगे तो और भी जल्दी काम हो जाया करे, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। शेयर क्या करो, उन चीज़ों के लिए कैमरा पकड़ो तब जाके हो पाता है, इस वजह से रहने देती हूँ। ये देखिए केले की सब्जी कटोरी में करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, और हम लोगों ने कैसे सारी चीज़ें बच गई थी रात को, किसी ने थोड़ा थोड़ा खाया, जवा मीठी सिमैयाँ ही खा के रह गए तो, और सब लोगों ने छोड़ दिया था गर्मी की वजह से, कोई भी नहीं खा पा रहा। तो चलिए देखिए आ जाइए, पर जवे है ना मीठी सिमैयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बच्चों के लिए तैयार किया है। मैं अपना बाद में खाती हूँ, भूख कम ही लगती है मुझे आजकल। ये देखिए मैंने ये सारी ये धोई थी, ये सूख गई, ऊपर बारिश हो रही थी तो लेके आ गए। ये मेरी सारे मेरे हाथ की बनी हुई हैं, मैंने सारी मैंने ये बनाई है, सारे कपड़े ला ला के सारी मैंने बनाई है, ये तो खरीदे हुए हैं, ये दीदी ने भी बना के दिए हैं मुझे, और तो मैंने सारी बनाई, और भी अच्छा अच्छा बनाना चाहती हूँ गर्मियों में, सूती अच्छी लग रही है ना, और कपड़े कम पड़ जाते, नहीं मैं तो और भी बनाऊँ और बनाऊँगी, मैं फिर दिखाऊँगी आपके साथ डिज़ाइन। देखिए गुदी में डालने के लिए ये है, फिर इसका मतलब खूब घेर बन जाता, अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी तो और भी छोटी छोटी, और ये देखिए बहुत अच्छी लगती है, नए नए कपड़े की हैं। कितना शैम्पू डाला, अब फुला के दिखाओ, ऐसे ऐसे होता है, अब फुला। वंशु की छुट्टियों को सामान दिला के लाई तो बोली मुझे कुछ नहीं दिलाया, मैं इसका वो बनाती हूँ बैलून। और वाह ये होता है, इनमें कुछ ज़्यादा ही झगड़ा होता है। बन गया, नहीं बना तो खुश, चलो निकलो, लाइट बंद करो बाथरूम की, कुछ नहीं मैं टाइम देख सकते हैं। वंशु को स्कूल का हॉलीडे का होमवर्क करना है, उसकी मदद करा देती हूँ, और मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा वीडियो बना के और अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ना मौसम भी ख़राब हो रहा है, मुझे सूट भी सिलना है बहुत सही है ना, सूट चिपकता बहुत है, गर्मी बहुत लगती है, अस्तर लगा हुआ है, ये देखो मेरा सर फटा जा रहा है। और आजकल ना मुझे एक चीज़ का भूत चढ़ गया, जोधा अकबर का, मैंने बहुत टाइम पहले देखा था और फिर से जोधा अकबर देखना शुरू कर दिया है, एक दिन में 10-10 एपिसोड देख लूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। किस किस ने जोधा अकबर देखा मुझे कमेंट में बताना, और वंशु का सोना का बहुत सारा काम पड़ा है छुट्टियों का जो कराना है, और सोना का भी तो इस वजह से वीडियो कम हो पाई, ये देखो लेके बैठी है, वो बताना वो बॉक्स बनाया डॉक्टर बॉक्स, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स बनाया, आगे बढ़ा दो तो वो सब इसलिए। तो चलिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और बारिश होने वाली, मौसम ख़राब है, हवा चल रही है, कपड़े धोने हैं वो शाम को धोंगे, अभी तो ना मेरा सर फटा जा रहा है, बाय।